इनफैक्ट कमिंग एलिस्ट्रेशन में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक सिंगल सिचुएशन में एनालाइज करना लर्न करेंगे यहाँ पे हम लोग इन्वॉल्वमेंट करेंगे इमोशनली हम के कॉन्सेप्ट को फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड अगर वो मूव कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में उसमें फोर्स कैसे मालूम करें उस कॉन्सेप्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा एम्पियर फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा कि किसी भी करेंट कैरिंग वायर में फोर्स कैसे कैलकुलेट करें इन मैग्नेटिक फील्ड

आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ये हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे होंगे डिस्क का रेडियस ऑफ द डिस्क इज स्मॉल आर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन हॉर्जेंटल डायरेक्शन क्योंकि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हॉर्जेंटल डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर इस डिस्क के प्लेन में भी है ओके और डिस्क की रेडियस है स्मॉल आर एंड थिकनेस ऑफ द डिस्क इज स्मॉल डी यहाँ पे शो की गई है

डायग्राम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ये डायग्राम हो गया मेरे पास नेक्स्ट पेज में सपोज वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम राइट यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो जो वेक्टर आएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वो आएगा डॉट और ये व्यू की अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर व्यू की तो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द डिस्क तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी फॉर दिस साइड व्यू रिलीज observer, observer okay? किया टी में नीचे फॉल करना शुरू हुई तो किसी टाइम में इसकी वेलॉसिटी हम लोग एज्यूम कर लें वी ओके दिस इज ए कंडक्टिंग डिस्क अगर कंडक्टिंग डिस्क है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वी कैन एज्यूम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी तो इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें अगर मैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूं तो वो इलेक्ट्रॉन भी वी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये रिप्रेजेंट करता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जहां एक बात ध्यान देने वाली हम लोगों ने यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को जो उसके थर्मल एजिटेशन की वजह से जिग जैग मोशन होगा उसको निगलेक्ट किया हुआ है क्यों निगलेक्ट किया हुआ है कि वो जिग जैग मोशन होता है तो किसी भी टाइम इंटरवल में गिविन टाइम इंटरवल में नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाता है तो हम लोग उसकी वेलोसिटी नेट वेलोसिटी को निगलेक्ट कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन की उस वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट तो कर पाएंगे okay? हम लोग यहां पे राइट हैंड रूल लगा ले अगर राइट हैंड रूल अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हम लोग क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और जो राइट right हैंड की फिंगर हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी इन द राइट वर्ल्ड डायरेक्शन तो जो इलेक्ट्रॉन है इसमें फोर्स लगेगा राइट वर्ल्ड डायरेक्शन में ओके राइट वर्ल्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ इस सर्फेस में राइट right सर्फिस में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डिपोजिट होने लगेंगे इस सर्फेस में एंड ऑन द लेफ्ट विल बी सर्फिसियं ऑफ द इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट सरफेस विल बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट सर्फिस में हो राइट सर्फिस तो right में सकते हैं थिकनेस इज डी लेफ्ट सर्फिस इज पॉजिटिव एंड राइट सर्फेस इज नेगेटिव सपोज किसी टाइम में जो लेफ्ट सर्फिस में चार्ज एक्मलेट हुआ है वो क्यू है और यहाँ पे सर्टेनली होगा माइनस क्यू ओके अब अगर यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन हो गया यहाँ पे मोशन हो रहा है हमारे पास कंडक्टर का मोशन हो रहा है कंडक्टिंग डिस्क का मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन हो रहा है कुछ ऐसा होता था मोशनल एफ में भी इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो डिस्क फॉल कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में उसमें मोशनल ईएमएफ अपीयर हो जाएगा अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द डिस्क यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये जो लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे थिकनेस ऑफ द डिस्क तो थिकनेस ऑफ द डिस्क वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्मूला मोशनल का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू बी डी वी बी एल वी फॉर्मूला यूज करते थे और इन प्लेस ऑफ एल वी कैन यूज स्मॉल डी बिकॉज दिस इज द लेंथ जिसको हम लोग यहाँ पे थिकनेस वाले पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं पोलराइजेशन हुआ है अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द डिस्क तो यहाँ पे लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे विद ऑफ द डिस्क स्मॉल डी और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर वन ओके अब इक्वेशन नंबर वन आ गई हम लोग अब कह सकते हैं कि चार्ज यहाँ पे लेफ्ट सर्फेस में अकोमुलेट हो गया पॉजिटिव और राइट right में अकोमुलेट हो गया निगेटिव अब चार्ज का सेपरेशन हो गया अब चार्ज के सेपरेशन होने में इ के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इन साइड द डिस्क तो यहाँ पे इन साइड द डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इन द राइट वर्ड डायरेक्शन तो ये मैंने राइट वर्ड डायरेक्शन में है ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ओके अब मैग्नेटिक फोर्स तो इलेक्ट्रॉन में पहले से लग रहा था अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल आल्सो एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स

तो जिस समय इस टाइप की सिचुएशन होगी जिस समय कंडीशन जैसी सिचुएशन आएगी उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को बैलेंस करेगा दैट ये दोनों फोर्स हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं एट एनी टाइम ईज इक्वल टू ई वी ओके यहाँ पे E और E, स्मॉल E और स्मॉल E हम लोग कैंसिल कर देते हैं ये मैंने कैंसिल कर दिया अब ये आ गया E इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई बी हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डिस्क इज ए वेलोसिटी और वेलोसिटी को ऑफ कोर्स चेंज होना है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे लगेगी इन साइड द डिस्क वो भी चेंज होगी इन फंक्शन ऑफ टाइम ओके अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने लिखी हुई है इसको हम लोग चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं सपोज चार्ज अपियरिंग ऑन द लेफ्ट इज क्यू चार्ज अपेयरिंग ऑन द राइट सर्फिस इज माइनस क्यू चार डेंसिटी हम लोग यहाँ पे अगर सिग्मा लेते हैं तो चार डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी माइनस सिग्मा और सिग्मा की वैल्यू हम लोग को मालूम है चार्ज पर यूनिट एरिया दैट क्यू डिवाइडेड पाई स्मॉल आर स्क्वायर तो यहाँ पे हम लोग मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टाइड्स तो यहाँ पे मैं सर्फिस लेफ्ट सर्फिस यहाँ पे मैंने राइट right सर्फिस बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास ये आ गई ओके okay. अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सर्फेस नंबर वन दिस सर्फेस इज पॉजिटिव इस पोजिशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो अवे फ्रॉम द फ्रॉमस होगी किस तरफ हो जाएगी राइट वर्ल्ड डायरेक्शन में दिस सर्फेस इज नेगेटिव यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से हो जाएगी टुवर्ड द सर्फेस अगेन इन द राइट वर्ल्ड डायरेक्शन तो दोनों वैक्टर राइट वर्ल्ड डायरेक्शन में हो गए दैट दोनों वैक्टर एडिटिव हो जाएंगे दैट प्लस ई टू

एरिया शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दिस इज सर्कुलर डिस्क एरिया पाई आर स्कवायर तो मैं सिग्मा की जगह लिख देता हूँ थ्री टू और थ्री इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे इक्वेट कर दू द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री कैन बी सब्सिट्यूटेड इन इक्वेशन नंबर टू तो यहां पे हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी दैट मीन क्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्र v. मल्टीप्लाइड करके बना दिया इक्वेशन नंबर फोर वी नो डिस्क इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन डिस्क विल द टाइम अगर वेलोसिटी यहां पे टाइम के साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज होगी तो यहां पे जो चार्ज की वैल्यू है चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगी इट मींस वी कैन से चार्ज एक्मलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क विल आल्सो इंक्रीज टाइम अगर चार्ज सर्फेस ऑफ द डिस्क में टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है here we can say the electrons will be moving continuously विल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट the thickness ऑफ द डिस्क अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड यहां पे लगातार इंक्रीज हो रही है तो इन सरफेस की चार्ज की मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगी तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ओके लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करेंट विल फ्लो फ्रॉम राइट फेस टू लेफ्ट फेस ऑफ द डिस्क तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने की अपोजिट डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक करेंट की डायरेक्शन

एक्सलेशन होगा डिस्क का डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं ये मैंने बना दिया क्रॉस सेक्शन डिस्क पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड करंट फ्रॉम राइट सरफेस टू लेफ्ट सरफेस ये है करंट की डायरेक्शन एक्सलेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन द रीजन इज डॉट ओके अब आप यहां पे देख सकते हो कि डिस्क इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल और यहां पे इस कंडक्टिंग मैटील में करेंट फ्लो हो रही है आई और ये है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में सर्टेनली यहां पे फोर्स लगेगा एम्पियर फोर्स लगेगा और इस एम्पियर फोर्स की डायरेक्शन अगर मालूम करना है तो वी कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल अगर हम लोग यूज करें तो वट वी विल डू वी स्ट्रेच द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी करंट है इन द लेफ्ट डायरेक्शन तो थंब हो गया लेफ्ट डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में आप यहां पे राइट हैंड रूल के बजाय आप लेफ्ट हैंड रूल है उसको भी यूज कर सकते हो ओके okay? लेकिन इस मैग्नेटिक फोर्स की बजाय मैग्नेटिक फोर्स के अलावा एक फोर्स और होगा बिकॉज ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये ग्रेविटी फोर्स एम जी एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो यहां एम जी मैं बना देता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मैंने बना दिया एम जी ओके नाउ लेट अस कंसिडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिचुएशन And forces acting on the body is the weight mg downward direction. Magnetic force is acting in the upward direction and acceleration is in downward direction. That means net force should be equal to mg minus f magnetic, that is equal to mass multiplied by acceleration. Okay. F magnetic, magnetic force. Consum magnetic force, hai? current carrying conductor pe. current flow, ho rahi hai pe right say left. Okay. तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को हम लोग कहते हैं एम्फेयर फोर्स तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं आई एल क्रॉस बी ओके आई एल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आप यहां पे देख सकते हो लेंथ हम लोग कंसिडर करते हैं कंडक्टर की जो करेंट के पैरल हो तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर शुड बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द डिस्क दैट इज इक्वल टू डी तो यहां पे इन प्लेस ऑफ आई एल वी विल राइट आई मल्टीप्लाइडी डिग्री सो हियर वी कैन एक्सप्रेशन इसकी जो magnitude है ये हो मैगनी टूट द वैल्यू ऑफ एफ मैग्नेटिक रिलेशन आ जाएगा ओके okay? अब करंट की वैल्यू हम लोगों ने तो कैलकुलेट की हुई है सो लेट द वैल्यू ऑफ द करेंट

प्लस पाई आर स्क्वायर नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय बी ए मल्टीप्लाइड बाय डी ओके अब यहां पे अगर मैं स्मॉल ए कॉमन ले लेता हूं तो एम जी इज इक्वल टू एम प्लस पाई आर स्क्वायर नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी दैट मीन स्मॉल ए इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस पाई आर स्क्वायर

This is the velocity of the disk in function of time, gt divided by 1 plus pi r square epsilon naught b square d divided by small n. Okay. Dear aspirants, Sange's India has launched the new edition of our G Advanced Physics Books. Please visit www.sange's.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.